नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विषय है जंगल। आप सोच रहे होंगे जंगल कहाँ से आ गया सडनली। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उसको मीडिया वाले, न्यूज़ वाले बोलते हैं कंक्रीट जंगल। पुस्तक में भी ऐसे ही बोलते हैं, कंक्रीट जंगल। और जब भी जंगल के ऊपर कोई मूवी आता है या जंगल के ऊपर अगर कोई कार्टून आता है, कुछ भी आता है, असली जंगल को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि जंगल बहुत बुरा जगह है। जबकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैट्रिक्स इज़ ऑल अबाउट रिवर्सल, मतलब उल्टी है। हम जहाँ रहते हैं, शहरों में जहाँ रहते हैं, वो एक बेकार जगह है। हवा नहीं है, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, जंगल ब्यूटीफुल है, जंगल सुंदर है। अब राम गोपाल वर्मा का जंगल या काल करके वो कौन सा मूवी था, विवेक ओबरॉय का, इस काल काल में हम तुम करे धमाल, मैं भूल गया नाम उस पिक्चर का, शायद काल ही था, उसमें टाइगर मारता है सबको। और कितने हज़ारों वर्ष से पुस्तक में भी, अच्छा टाइगर आ गया, शेर आ गया, उसने खा लिया, ये वो, तो सब कुछ उल्टा किया गया है। जैसे मैंने अवतार मूवी के ऊपर जो वीडियोस बनाए हैं, और मैंने और एक वीडियो भी बनाया था जहां मैंने दिखाया था कि कैसे बड़े बड़े पेड़ थे धरती पे, उनको काट दिया गया था। माइकल जैक्सन का भी गाना भी है जिसमें दिखाते हैं कि कैसे पेड़ों को काटने के बाद कैसे धरती बेकार हो जाती है। ये तो एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन बचपन में ही हमने पढ़ा था पुस्तक में। पॉइंट ये है कि हमें एक्चुअली जंगलों में रहना है, एक्चुअली अपना खुद का एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाकर, क्योंकि जो पेड़ का जो ऑक्सीजन होता है घने जंगल में, वो सिटी में नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर आपको रेगुलरली आपका तबीयत ख़राब रहता है या आपका सर दर्द है, ये वो, मेरे जैसे पेशेंट हैं, तो एक बार कभी आप ऊटी या ऊटी तो अभी बहुत ख़राब हो गया है, मतलब एक ट्रैकिंग वेकिंग करके आप ऐसे जंगल में जाइए, देखिए आपका सर दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल्स ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या लोग ऐसा करते हैं? और जैसे मैंने बोला ऊटी, हर हिल स्टेशन को ख़राब कर दिया गया है, अब जाएँ भी तो कहाँ जाएँ? और सालों से बोल रहे हैं कि कुछ करेंगे, एफॉरेस्टेशन, एक पेड़ इधर गाड़, एक पौधा डाल दिया, वो पौधा डाल दिया, बट स्टिल द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड द वे इतने सारे इमारतें बन रही हैं, ऐसा ना हो कि पूरा धरती ही ख़त्म हो जाए। अगली जनरेशन में क्या सचमुच में पेड़ रहेंगे? क्या अगली जनरेशन तक हम जिंदा रहेंगे? वो भी पॉइंट है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सेव जंगल। धन्यवाद।